वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो शहर की जंग, जनता किसके संग। आज हम उसी बागी बलिया की धरती पर हैं जहां के वीर मंगल पांडे और चित्तू पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी आजादी से पहले, और आजादी के बाद यही के युवा तुर्क कहे जाने वाले चंद्रशेखर ने तानाशाही के खिलाफ बगावत की थी, जो बाद में देश के प्रधानमंत्री भी बने। इस बगावत की धरती पर इस बार सियासी मूड क्या है, लोग इस बार विकास के मुद्दे पर कितना ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ के लोग इस बार नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव में किन किन मुद्दों पर अपना चेयरमैन चुनने जा रहे हैं, अपना सभासद चुनने जा रहे हैं, यहाँ के लोगों से ही जानने और समझने की कोशिश करते हैं। माहौल इस बार सियासत का है, तो क्या आप देख पा रहे हैं बलिया में क्या माहौल है? बताया जाए, माहौल तो सबका बढ़िया ही दिख रहा है। बलिया का क्या माहौल देख रहे हैं? ये लिट्टी के अंदर आप जो ये सत्तू वगैरह डाल रहे हैं, तो बलिया में भी कुछ इस तरह का डेवलपमेंट है, कुछ नया दिख रहा है आपको बलिया में? नया हम लोग नहीं देख रहे हैं, नया नहीं दिख रहा है, पुराना ही पुराना है, पुराना चल रहा है। ये देखिए, ये इस दुकान में ये फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। ये ग्राउंड फ्लोर पे एक आदमी आपको यहाँ पे बैठे हुए नजर आएंगे और ऊपर यहाँ फर्स्ट फ्लोर नजर आएंगे। क्या माहौल है चाचा इस बार बलिया में चुनाव का, किसका यहाँ लहर है? यह सब पुराना ही लहर है, पुराना है। हम इसमें बलिया के शास्त्री चौक पे हैं और हमारे दाहिने हाथ में यहाँ बलिया का चित्रगुप्त मंदिर है, यानी कि कायस्थों का ये सबसे बड़े आस्था का केंद्र है। और अगर हम बलिया की बात करें तो लगभग 10,000 कायस्थ यहाँ पे हैं और हर बार के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर होते हैं। अगर हम 10 साल 20 साल पहले की बात करें, किस पार्टी ने यहाँ पे विकास का काम कराया? मैं तो सबसे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि मैं अभी वर्तमान में यहाँ से सभासद हूँ और खुद ही पूरे मंडल में जो है सबसे जनप्रिय पुरस्कार मिला है। बात यहाँ विकास की जाए तो अभी तक तो देखा जाए जिस तरीके से बलिया का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, लेकिन ये विगत 1.5-2 सालों में जो है सबसे बड़ी यहाँ समस्या थी सड़क की। कुछ सड़कें बनी है लेकिन जो मूलभूत व्यवस्था है पानी की है, पानी निकासी की व्यवस्था है, प्रिय शुद्ध जल की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, वहाँ पे अभी तक किसी ने कोई काम नहीं किया है। जो भी विकास करेगा बलिया का तो भाई लोग समझदार हो गए हैं, अब अपना वोट जो भी करेंगे वो समझ के ही देंगे। और हम 16 नंबर वार्ड के हैं और इससे पहले जो वर्तमान में जो हमारे चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि सड़क बन जाएगी, वोट भी दिया गया लेकिन सड़क नहीं बनी। और आज मेरी नरकी स्थिति है हमारे वार्ड नंबर 16 की, 16 और 14 दो हैं और उसकी नरकी स्थिति है। माहौल आप देख पा रहे हैं इस बार किसकी लहर है यहाँ पे? बहुजन समाज पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में लहर है। बहन कुमारी मायावती जी प्रचंड जीत करने जा रही है विकास के नाम पे। पिछले 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, जितना विकास की है आज जनता के दिल दिमाग में बैठ गया है। यहाँ बलिया में जो है कि निशीद श्रीवास्तव जी उर्फ निशू जी को बहन जी ने अपना प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजी हैं। उमा शंकर सिंह जी हैं रसड़ा के विधायक, और बलिया के विकास जो 5 बरस में नहीं हो पाएगा वो 2 बरस में वादा करके गए हैं उमा शंकर सिंह कि यहाँ विकास करके हम दिखलाएंगे। निशु जी आप जनता के बीच में इस बात को रख करके और अपना जो है कि जीत करके आइए और विकास कराने का काम करेंगे। ये बताइए माहौल, ये बता रहे हैं कि बीएसपी का है, आपको भी लगता है बीएसपी का माहौल है? बीएसपी माहौल बढ़ रहा है। अच्छा अच्छा, कौन जीत रहा है इस बार? बीएसपी जीती, बीएसपी क्यों नहीं जीतेगी? क्यों बीजेपी जीतेगी? क्या करके दिखाया है? इस सरकार में कोई नहीं काम हुआ है, जबकि आसन तल वो भी बंद कर दिया है। जो डिब्बी जला के जल चल अंधेरा में रहते हैं, घर द्वार नहीं मिल रहा है देहात पटीदर में, देहात में और क्या करूंगा। बहन जी का इस बार मतलब माहौल पूरा बढ़िया बना है? हाँ बढ़िया बना। क्या स्थिति है सर इस बार यहाँ पे बलिया में? बलिया में तो कोई कहा एक हुआ है, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है बलिया में, अब तो उसी तरह पहले जैसा तो कहाँ है प्रोग्रेस? जब कोई मिल है, जब फैक्ट्री है, सब मिल फैक्ट्री बंद होते जा रहा है, कहाँ कोई विकास हुआ है? इस बार कौन आपके हिसाब से बेहतर करने जा रहा है यहाँ पे? बहन जी ठीक करेंगी, बहन जी ठीक करेंगी इस बार। हाँ हाँ, बीएसपी का है लड़ाई में। हाँ हाँ, अच्छा माता जी आप भी बलिया के रहने वाली हैं इसी इलाके की,
किसका माहौल यहाँ दिख रहा है? ये जिला का हूँ। क्या क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे? किसका माहौल है, बीजेपी का कि बीएसपी का? बीएसपी का। बीएसपी का जी। बीएसपी क्यों? बीएसपी में आखिर ऐसा क्या है जिसको लोग पसंद करें? भाजपा से सारा लोग परेशान हो गए हैं। अच्छा। एमपी एमएलए विधायक से परेशान हो गए, और चेयरमैन से बात है उनकी, विकास कुछ नहीं हुए, बार बार बात है उनकी, भाजपा का चेयरमैन बनता है और सपा का चेयरमैन बनता है और कुछ विकास नहीं बलिया जनपद में होता है, न खड़ंजा बनता है या नवदान का पानी निकलता है, कौन विकास बलिया में नहीं है, जब न की बात है उनकी, बीएसपी बात है उनकी, निशु सिंह करैन ये बेरी का भारी मदद से विजयी कराए जो हमने को। बीएसपी बता रही है माता जी की बीएसपी बहुत अच्छी स्थिति में है, क्या लग रहा है बीएसपी वास्तव में अच्छी? देखिए बीएसपी का जो सभी ने हमारे जो नेता हैं नीशित श्रीवास्तव निशु, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, जनता के बीचों में उन्होंने रात हो या दिन जनता के बीच में रहते हैं और लोगों की बातों को सुनते हैं। मैंने कई सारे नेता अपने मेरे उम्र के अंदर में मैंने कई सारे लोगों को देखा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, बस चुनाव में लड़े पैसा कमाए घर पर बैठे। जो ये नेता जो आए हैं जैसे हमारे विकास पुरुष मान्य उमा शंकर सिंह जी हैं, उनके आशीर्वाद के से हमारे नीशित श्रीवास्तव निशु जी लोगों के बीच में रहेंगे और उनका जो भी नाली वाली जो भी समस्या है सबको निवारण करेगा, रसड़ा की तरफ वो भी स्वर्ग बनाएंगे। अच्छा, निशित श्रीवास्तव जो यहाँ पे बीएसपी के कैंडिडेट बनाए गए हैं, कायस बिरादरी क्या उनके साथ यहाँ पे जा रही है, क्योंकि एक अच्छी खासी वोट यहाँ पे वोटर है कायस बिरादरी के, क्या बीएसपी के साथ जुड़ रहे हैं लोग? हाँ, निशु श्रीवास्तव जी के साथ बीएसपी के सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका कैडर भी जुड़ा हुआ है, बीएसपी का जो कैडर है उनके जो समाज के लोग हैं वो भी अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। निशु श्रीवास्तव जी एक होनहार व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, जो अभी तक के जो पिछले समय में जो यहाँ बलिया का चेयरमैन रहा है, जो पब्लिक के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे एक बार अवसर दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं, पत्रकार महोदय से भी जानना चाहते हैं, पब्लिक से जानना चाहते हैं कि ये लोग 10 साल का मौका में कुछ जिस काम को नहीं करा पाए हैं फिर उनकी इच्छा जाहिर, कौन सा ऐसा शेष काम रह गया जिसको कराने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ये वो लोग बताएं। आपको भी लग रहा है सर कि माहौल इस बार बीजेपी वर्सेस बीएसपी है यहाँ पे? निश्चित रूप से हमको ये लग रहा है कि बीएसपी के टक्कर में कोई नहीं है, बीएसपी एक तरफा है और बीएसपी का जीत भी सुनिश्चित है, इसलिए कि मैंने लगभग 20 वर्षों से मैंने देखा है कि सपा की सरकार ने यहाँ पर चेयरमैन होकर के इस नगर पालिका को चलाने का काम किया है और इसके पहले भी निर्दल भी एक प्रत्याशी जो बीजेपी के थे वो भी चलाने का काम किया है और निश्चित रूप से यहाँ पर नगर पालिका की जनता इस बार बीएसपी की तरफ इशारा कर रही है, बीएसपी को जो है एक आशा भरी निगाहों से देख रही है कि ये नया युवा कैंडिडेट है नीतीश कुमार निशु जी, निशु जी इस बार निश्चित रूप से विजयी होकर के आएंगे और नगर पालिका का विकास करेंगे, उनके पूरी आशा और विश्वास के नगर पालिका की जनता उनके साथ लगी है। हमारे साथ बलिया नगर पालिका से बीएसपी की प्रत्याशी निशित श्रीवास्तव निशु जी हैं, जो इस बार दावेदारी कर रहे हैं कि बलिया से बीएसपी इस बार इस सीट को निकालेगी। सर, दावेदारी के पीछे का आपका वजह क्या है, कैसे आपको लगता है बीएसपी इस बार मजबूत स्थिति में? दावेदारी का एक वजह नहीं, तमाम वजह है। मैं अनवरत 20 सालों से समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और जितनी भी नगर की समस्याएं होती है उसको उठाता रहता हूँ। यहाँ के पहले जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, जितने भी यहाँ चेयरमैन बने हैं लोग, उन्होंने सिर्फ आश्वासन देने का नाम काम किया है, नगर की जनता को ठगने का काम किया, काम नहीं किया। इस वजह से मैं आश्वस्त हूँ कि हम लोग जीत रहे हैं। बलिया के अगर पूरे सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों की बात करें तो वहाँ पे क्या माहौल आप देख पा रहे हैं बीएसपी का? बहुत बढ़िया बीएसपी का पोजीशन है। आप रसड़ा देख लीजिए, चितबड़ा गांव देख लीजिए, बैरिया देख लीजिए, रसड़ देख लीजिए, हर जगह बीएसपी अपने आप में एक नंबर की पहचान ली है। बलिया में चुनावी संग्राम इसमें चरम पर है, सेकंड फेज में यहाँ वोटिंग होनी है और सांसद रवि किशन गोरखपुर से चलकर बलिया पहुंचे हैं। बलिया की बागी धरती पर इस बार बीजेपी क्या कमल खिला पाएगी या नहीं, बात करते हैं। सांसद जी, बलिया जो बगावत की धरती मानी जाती है, यहाँ पे परिवर्तन की धरती मानी जाती है, इस बार क्या परिवर्तन देख? न्यूज नेशन के दर्शकों को मैं कहना हूँ कि ऐतिहासिक जीत की ओर बागी बलिया जा रहा है, जैसे समस्त उत्तर प्रदेश विकास की गंगा, सुशासन, कानून व्यवस्था, पूज्य महाराज जी की इमेज, मोदी योगी का रामराज्य और जो काम यहाँ पे चेयरमैन साहब पहले इन्होंने कर लिया था, ये दोबारा इनको सीट मिली है, इनकी इमेज का ये जो आप सैलाब देख रहे हैं, ये सैलाब इनकी इमेज का है और ये ऐतिहासिक जीत की तरफ जा रहे हैं। पूरे बलिया की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ पे चुनाव? हम लोग हर जगह जीत रहे हैं, हम लोग अपने हर वार्ड में जीत रहे हैं। जैसे गोरखपुर में हम लोग 80 के 80 वार्ड पर दावा बोले का दो छटके का, एक तो हम जीत चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमको जो दिखाई दे रहा है एक लहर, बहुत बड़ी लहर चल रही है।
इस बार क्या बदलाव चाहती है बलिया की धरती और क्या इस बार नगर निकाय चुनाव में यहाँ पे होने जा रहा है, यहाँ के लोग उसे जानते हैं। सर क्या स्थिति है अभी नगर निकाय चुनाव के बलिया में? देखिए, नगर निकाय चुनाव का यह है कि पिछले तमाम सालों से बलिया में कोई विकास नहीं हुआ था, क्योंकि बलिया में कोई भी ढंग का प्रत्याशी नहीं था और बीजेपी का प्रत्याशी पिछले 25 सालों से नहीं रहा है और बलिया का विकास बिल्कुल शून्य हो गया था। इसको देखते हुए इस बार सारा व्यापारी समाज हमारा डिसाइड किया है कि बीजेपी को जिताना है। कारण यह है कि दयाशंकर सिंह अभी हमारे जब से मंत्री बने हैं पिछले साल से, तब से बलिया में इतने विकास के काम आ रहे हैं, पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर है और बलिया भी विकास की तरफ अग्रसर है। रेलवे स्टेशन देख लीजिए, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ जो कटहर नाला था उसकी हालत बहुत खराब थी, अभी उसमें भी काम लगा हुआ है। भृगु मंदिर का भी काम होने वाला है, यहाँ मेडिकल कॉलेज की भी व्यवस्था ठीक होने वाली है। बलिया गंगा नदी के किनारे है, बाढ़ से प्रभावित है, यहाँ पानी लग जाता है। योगी आदित्यनाथ जी और माननीय हमारे मंत्री जी ने कहा है कि बाढ़ की समस्या से और पानी की समस्या से जो नगर में गंदगी है उससे हम मुक्ति दिलाएंगे। ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो बलिया को इस बार बीजेपी का प्रत्याशी जिताने में बहुत मदद करेंगे। बलिया के लोगों को विश्वास है कि संत कुमार गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो बलिया का विकास करेंगे। बलिया के विकास में उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और एक छोटी सी कड़ी है नगर की, उसको भी हम लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ देते हैं तो हमारे शहर का विकास हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ बलिया की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी। चाचा जी बताइए, आप यहाँ स्टेशन पे पिछले कई सालों से जूता और तमाम चीज सिलने का काम करते हैं, क्या परिवर्तन देखा कुछ आपने 5 साल में यहाँ पे? परिवर्तन इसमें क्या है, यहाँ तो जो भी लोग आते हैं कहते हैं कि भाई हम गरीबों का मसीहा है, पर गरीबों का मसीहा कोई नहीं बनता है, यहाँ अमीरों का मसीहा बनता है। ये बताइए, इस बार बीजेपी यहाँ पे आ रही है वापस? नहीं आएगी। नहीं आएगी। क्यों? परिवर्तन। परिवर्तन किस बात का? परिवर्तन वही विकास का। तो विकास नहीं हुआ क्या 5 साल में? हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है। कितने साल से यहाँ पे सर ऑटो चला रहे हैं आप लोग? मेरा घर ही इधर ही है बाजार में। अच्छा, बेलथरा रोड में ही आप हैं। बेलथरा रोड में क्या बदलाव आप देख पा रहे हैं? बहुत पहले से तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ बेलथरा रोड में, हर चीज के लिए काम बहुत हुआ है, लेकिन इस समय लड़ाई चल रही है। बलिया की जनता इस बार विकास के मुद्दे पर पूरी तरह से मुखर है और अपना नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पंचायत का अध्यक्ष उसे चुनना चाहती है जो उसके मूलभूत समस्याएं सड़क, बिजली, नाली, पानी की समस्या पर ध्यान दे, न कि प्रदेश और केंद्र की सियासत करे। बलिया से आज बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी